ओ भाई साहब यार, इस वाले पेड़ में आग कैसे लगे? ये कैसे हो गया भाई साहब? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और ये मेरे पास क्या आ गया है? वेपनाइजर। इस वेपनाइजर से क्या होता है भाई साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है यार माइनक्राफ्ट में। अच्छा यहाँ पर एक मॉब है ना यार, तुम मुझे बता सकते हो क्या इस वाले वेपनाइजर से क्या होगा? क्या तुम मुझे यार वो काव था और ये लेजर गन इसमें बदल, भाई साहब ये क्या हो गया? वो काव मतलब किस में बदल गया? ये गन के अंदर कैसे बदल सकता है वो कार? इस गन से हम क्या क्या कर सकते हैं? ओ भाई साहब यार, ये एक सपना था, मुझे लिटरली नहीं लगा था कि ये सपना है, मतलब मुझे लगा कि ये सब रियल लाइफ में हो रहा है। चल झूठा। बट अच्छा बात तो ये है कि ये बस एक सपना था, ऐसा कुछ रियल लाइफ में है नहीं। वैसे मैं भी सोचूं भाई साहब, मॉप गन में बदल ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो रहा था। खैर कोई नाम को थोड़ा सा भूख लगा तो हम ये ब्रेड ले लेते और चलते हैं बाहर, देखा जाए बापू जी जेठिया क्या कर रहे हैं। बापू जी जेठिया कहाँ हो भाई तुम लोग? भाई साहब ये लोग कहाँ रहते, कुछ समझ भी नहीं आता। टाउन हॉल में तो ये लोग नहीं ना है, देखा जाए टाउन हॉल में चलकर। ओके यार टाउन हॉल में दो दो गेट कौन? हाँ बापू जी यार कहाँ जा रहे हो, मेरा बात तो सुन लो बापू जी। यार बापू जी बात तो सुन लो, ये बताओ ना यार आज मैंने एक सपना देखा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जिसमें ना हमको ना एक सामान मिला था जिसका नाम वेपनाइजर था, उसको हम जब यूज किया तो उससे ना मॉब गन में बदल जा रहे थे। अरे यार बेटो ये कोई सपना वपना नहीं है, ऐसा रियल में भी है। कुछ भी। यहाँ पास में एक डॉक्टर झटका नाम का एक डॉक्टर साइंटिस्ट रहता है जिसको लोग तो पागल समझते पर वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन करते रहता है। अगर तुम बुरा ना मानो या फिर अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझसे जाके मिल सकते हो। क्या ऐसा कोई आदमी यहाँ पर रहता है जो ये सब बनाता है? भाई साहब अब तो मुझे उससे मिलना ही है, क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बात रियल हो सकता है यार, मतलब ऐसे सब तो थोड़ी ना देखा जाता है। भाई साहब तब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे यहाँ पर आयरन पिकैक्स आयरन शवल और ये सब स्टिक विस्टिक हम ये सब रख लेते हैं। थैंक यू बापू जी, मेरा बहुत हेल्प करते हैं। खैर अभी बाहर चला जाए, हमको समझ नहीं आ रहा जेठिया से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यार आई थिंक सो नहीं मिलते, छोड़ो यार क्या ही मिलेंगे, गजब बेइज्जती मिलेंगे, फालतू का टाइम पास करेगा वो यार, वो तो सिर्फ बेकार बात ही करता रहता है। बट बात ये है कि वो वाला साइंटिस्ट है कहाँ यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ओए जेठिया जरा तुम ये बता सकता है क्या यहाँ पर डॉक्टर झटका नाम का साइंटिस्ट कहाँ रहता है? यार मैं क्या बताऊँ, अब उसके पास मत जाओ, एक नंबर का पागल है वो। एक बार ना एक सर्फ बनाया था, वो बोला था ना इससे कोई भी कपड़ा धोगे ना सारा कपड़ा साफ हो जाएगा, और मैंने उस सर्फ से अपना चड्डी धोया था, मेरा चड्डी जल गया। छोड़ो साफ साफ होने का बात ही छोड़ो, मुझे पहनने का भी नहीं मिला, जल गया था, मैं क्या करूं अब। अरे रे रे क्या क्या होते रहता है तुम्हारे साथ यार, पर देखिए मुझे पता था ये सिर्फ फालतू बात करेगा। अबे मैं इसके पास आए एक मिनट, ये क्या है भाई साहब, कितना ज्यादा अजीब चीज है यार, ये क्या है? ओहो ये दुकान है कि क्या है भाई साहब, टूटा फूटा सा। और तुम अच्छा तो आप ही है डॉक्टर झटका, कैसे हो डॉक्टर टटका, आई मीन सॉरी डॉक्टर झटका कैसे हो आप? अयो है ना मेरा मजाक उड़ाते हो, तुप से उड़ा दूंगा तुप से, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा चुपचाप मेरा बात सुनो, मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, पर पता नहीं यहाँ के लोग मुझे साइंटिस्ट समझते नहीं है। अगर तुम मुझे साइंटिस्ट मानते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज दूंगा। हाँ हाँ मैं आपको साइंटिस्ट मानता हूँ भाई साहब, आपसे ज्यादा अच्छा साइंटिस्ट कोई था ही नहीं इस पूरे माइनक्राफ्ट में। ऐसा लगा मेरा मजाक। खैर आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई वेपनाइजर है क्या? आई ना तुम्हें कैसे पता मेरे पास वेपनाइजर है? हाँ मेरे पास है, इस चेस्ट के अंदर रखा हुआ, ले लो जाओ यूज करो, पर मेरा बात सुन लेना, अगर वो वेपनाइजर का बैटरी खत्म हो गया तो उसके बाद तुम प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। एक मिनट मैं क्यों प्रॉब्लम में पड़ूंगा, क्या अजीब बात करते हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आता है। खैर कोई ना, मुझे पता है बैटरी जल्दी खत्म होगा नहीं, कुछ भी हुआ तो उसको रिफिल कर देंगे उसका बैटरी। देखा जाए ओ यही था, बिल्कुल यही था भाई साहब, वेपनाइजर मुझे मिल गया ओपी ना गाइस। और जैसे कि आप देख सकते हो मुझे वो वाला सामान वापस से मिल गया जो मैंने सपना में देखा था। यार ओपी अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, मुझे ये वाला वेपनाइजर जो है इसको हमको किसी के ऊपर यूज करना है। बट अरे कहना क्या चाहते हो, बात ऐसा कि यहाँ पर आसपास कोई है ही नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर यूज करे। ये क्या है भाई साहब, स्टिंग बम। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे अभी मिल गया एक स्टिंग बम। चलो इस वाले बम को जरा यूज करके देखा जाए कैसे ये काम करता है। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यार क्या हुआ मुझे तो समझ ही नहीं आया, कुछ तो हुआ ही नहीं। खत्म। ऐसा फालतू मजाक मेरे साथ ही क्यों होता है, स्टिंग बम से तो कुछ भी नहीं हुआ। रुको मैं अच्छे जगह इस्तेमाल करता हूँ किसी और के ऊपर। बट बात यह कि यहाँ पर ज्यादा मॉब्स भी तो नहीं है यार, अब मॉब्स मुझे कहाँ मिलेंगे मुझे नहीं पता। मेरे सपना में मुझे काव मिला था और भाई साहब जैसे ही मैंने काव पे वो वाला वेपनाइजर यूज किया था वो मालूम मैं कोई गन में बदल गया था, प्लाज्मा गन में आई थिंक सो, नहीं पता क्या था। बट यार अब हम इसको, ओ ये क्या हो रहा है भाई साहब, मेरा ही हल जा रहा है, क्या चीज है? अरे यार ये तो एकदम पॉइजन है यार, हमको पॉइजन लग गया यार, ऐसा क्यों हो गया? खाना खाओ जल्दी, खाना खाओ यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होते रहता है मुझे समझ नहीं आता, अपने ही ऊपर हमको डाली मार रहे यार, हद है हद। खैर कोई ना, यहाँ पर देखा जाए और भाई साहब मॉब्स वॉब्स कहाँ पर है। One hour later. गाइस बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत तकलीफात हजारों माउंटेन पहाड़ वादियों को पार करने के पार आखिरकार हमको काव दिख गया भाई साहब, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद। चल झूठा ठीक है मैं
मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था बढ़िया। हम लोग काउ चाहिए था, काउ में मिल गया और हमने ये वाला गन मिल गया। खाल साहब ये लेजर गन है यार, क्या पावर है ना। और यहाँ पर कोमड़ी है, मुझे कोमड़ी के ऊपर भी इस्तेमाल करना है। क्या होता है यार, कोमड़ी के ऊपर कुछ हो रहा क्यों नहीं है? अच्छा लगता है, इसका मतलब सब मॉब्स के ऊपर ये काम नहीं करता। बट अरे यार ये क्या गड्ढा फड्ढा हो जा रहा है भाई, ओपी ना। एक बार हमको इसको यूज करना है, बट यार हम यूज ही नहीं कर पा रहे। अब मुझे बना बनाए खाना मिलेगा, ये कुक फूड होगा ना। ओ यार ये कुक चिकन मुझे मिल रहा है, ओपी ना। और अभी रात होने वाला है, मुझे पता चला है कि रात के जो मॉब्स आते हैं ना उसके ऊपर भी हम लोग वेपनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके ऊपर वेपनाइजर इस्तेमाल करने के बाद हमें और ज्यादा यूनिक आइटम मिलेगा। तो चलो कर लेते थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद रात वाले मॉब्स भी आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। भाई साहब यार यहाँ पर लावा है, मतलब हद है यार। पहले माइनक्राफ्ट में लावा से कितना डर लगता था, एक्चुअली अभी भी लगता है, बट ये कि हम सर्वाइवल सीरीज अपना स्टार्ट किए नहीं है। जिस दिन मेरा इस वाले चैनल पर हो जाएगा 5 लाख सब्सक्राइबर, फिर हम अपना सर्वाइवल। और रे यार मैं गिर कैसे गया बताओ यार, बात इसलिए नहीं करना चाहिए, फालतू बकवास करते हो, गिर जाते हम यार, हद है। खैर अभी मुझे ऊपर जाना होगा, और प्लीज मेरे पास इनफ डर्ट हो, वरना तो भाई साहब मैं नहीं जा पाऊंगा, अटक जाऊंगा यहीं पर। और मेरे पास है, चलो अच्छा बात है, चलो ऊपर चल जाते हैं। और यार इतना अंधेरा क्यों हो गया है यार, मेरे पास लाइट फाइट भी नहीं है, बट हाँ हम लाइट प्रोड्यूस तो कर सकते हैं ना ऐसे जला जला कर। ओ रोशनी हो गया, ओपी यार, मतलब क्या ही ब्रेन काम कर रहा है, ओपी बिल्कुल 100%। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे आंखों के सामने स्पाइडर आ गया, और ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ ये क्या हो गया, स्पाइडर से मुझे कुछ मिला है, वेब सूटर्स। ओ वेब सूटर्स मुझे मिल गया भाई साहब, हम लोग फंसा सकते कोई भी हो, आपको कहीं पर भी वो हो। यार ये पूरा स्पाइडर मैन की तरह वेब सूटर है भाई साहब, कितना ज्यादा ओपी लग रहा है इसको। हाथ में हम लिए, गाइस आप लोग रुको देखो, मैं थोड़ा सा रोशनी के पास जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो मेरे हाथ में वेब सूटर है, और इसको मैं किसी पे भी, अरे यार ये क्या हो गया, ये थोड़ी ना होना था, मैं अपने आप को क्यों जला लेता हूँ यार, बेवकूफ हूँ मैं। खैर कोई ना, तो अब इस वाले वेब शूटर को यूज किया जाए, बट कोई मॉब्स तो आए यार, मॉब्स अब आ ही रहे नहीं है, अभी तक तो बहुत आ रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक काऊ है, तो देखो ओ भाई साहब यार ओपी ना, और मुझे कौन मार रहा है भाई साहब, रुको मैं इनके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ इनसे क्या होता है। कुछ 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 तो हो यार, कुछ हो ही रहा नहीं है। ओ 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 यार रुक जाना, तुम लोग तो मारते ही जा रहे हो। ओ रुको ये क्या मजाक चल रहा है यार, रुको मैं यूज, अरे यार यूज तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं यार, दूर रहे मुझसे, दूर रहे भाई साहब, हद है ना, मतलब पास ही आते जा रहा है वो तो। अरे यार पता था मुझे कुछ ऐसी होगा, हद है, मतलब कि भाई साहब हम इतना मेहनत से वहां तक गए थे और इतना सब चीज की है, बट पोपट हो ही गया मेरा, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा सब क्या हुआ, बट यार पोपट हो गया। आई थिंक सो गाइस आज के लिए बस इतना रहने थे, मुझे उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब आइकन के साथ। बाकी अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, चलो तब ठीक है यारो, अल्लाह हाफिज़।